मेहता का उल्टा चश्मा। नीचे गरबा तो खेल लिया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि पार्टी शार्टी वाली बात माधवी भूली नहीं होगी। पता नहीं आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। गणपति बाप्पा संभालूंगे रे बाबा। लेकिन माधवी कहाँ रहेगी? अभी तक आई क्यों नहीं? माधवी तुम कहाँ गई थी? सोढ़ी भाई के घर। क्यों? ये लाने के लिए। क्या है इसमें? वही जो आपको पीना था। मुझे क्या पीना था? वो पार्टी शार्टी नहीं हो पाई ना, तो सोढ़ी भाई के घर गई थी ये लाने के लिए। लीजिए। मतलब ये नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे आप पीजिए ना, मैं कह रही हूँ ना। लीजिए। मैं क्या हो गया माधवी? आपकी इच्छा थी ना, तो कभी भी मन की इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप समझते नहीं है। आपको बच्चों की ट्यूशन का टेंशन, उनकी पढ़ाई का टेंशन, उनके भविष्य का टेंशन, और ऊपर से आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तो सोसाइटी का टेंशन। थोड़ा बहुत टेंशन दूर करने के लिए कभी कभार पी लिया तो क्या। लीजिए। माधवी तुम्हें क्या हो गया है? हमने नीचे माफी मांग ली ना, फिर अभी ग्लास में वो लाके ऐसे ताने क्यों दे रही हो? आपको पीना है कि नहीं? आई एम सॉरी माधवी। आपको पीना है कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं पीती हूँ। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? मुझे दीजिए, मुझे पीना है। नहीं। देखिए आप ऐसा मत करिए, आपको नहीं पीना है ना, तो मुझे दीजिए, मुझे पीना है। पागल हो गई क्या? ऐसा क्या है? गिर जाएगा तो गद्दी खराब हो जाएगी। हाँ तो होने तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दीजिए आप। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं इसे बाहर ही फेंक देता हूँ। हाँ तो ठीक है, प्लांट पे डालिए। क्या प्लांट पे डाल दीजिए? प्लांट पे डालेंगे ना ये तो प्लांट ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। पानी है उसमें। हाँ हाँ। मतलब तुम कब से मजाक कर रही थी? अरे मैं पानी पानी हो गया यहाँ पे। काश अच्छा हुआ तुम गुस्सा नहीं हो। नहीं मैं गुस्सा तो अभी भी हूँ। माधवी अभी गुस्सा भूल जाओ ना, माफ कर दो ना। ठीक है, मैं आपको माफ करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मेरी किसी बात को ना नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन कौन सी बात माधवी? आपको पहले वचन देना होगा कि आप मेरी किसी बात को ना नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन बिना बात जाने मैं कैसे वचन दे दूँ? हो, कल रात इसी जगह आपने परमिशन लेने से पहले मुझसे वचन लिया था, याद है? लेकिन वचन तो दो। वचन कैसे दे दूँ मैं? माधवी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है शायद। विश्वास है, विश्वास है ना। ऐसे कैसे विश्वास नहीं? विश्वास है तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जैसे आपने मुझसे चीटिंग करके मुझसे वचन लिया, वैसे ही आज मैं बिना बात बताए आपसे वचन लूंगी। होशियारेस तुम किस बाइक है। वाह ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी किसी भी बात को मैं ना नहीं कहूंगा। अभी बात तो बताओ क्या है। आज से आप कभी भी किसी भी बात पर मुझसे चीटिंग नहीं करोगे। हाँ माधवी मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी बात में चीटिंग नहीं करूंगा। गुड। पानी पीना है आपको? आप मुझे अभी सो जाइए, मैं आती हूँ। Okay. आज हम सब जेंट्स का जो पोपट हुआ है उसका हमारी बीवियां पूरा फायदा उठाने वाली है, खास करके रोशन भाभी। सॉरी मेरे भाई, तेरे घर में क्या सीन हो रहा होगा भाई? रोशन डार्लिंग चलो चल के हम लोग सो जाते हैं। रोशन डार्लिंग माय जाने जिगर जाने तमन्ना जाने वहाँ जाने गुलजार आया। रोशन डाले मैंने एक गल समझ नहीं आ रही है। मैं तेरे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, तू स्टीयरिंग व्हील की तरह दूसरी तरफ घूम रही है। रोशन, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? ये बताने के लिए भी मुझे तुझसे बात करनी पड़ेगी, और मैंने कहा ना कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है सोनिया, अब मैं तेरी बात को कैसे टाल सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, हम लोग जाके सो जाते हैं। जो है मानस ने जो, यहाँ पर मैं गुस्सा हूँ और इसको फिक्र ही नहीं है कि रोशन क्यों नहीं बात कर रही है। हाँ, मैं ते जानना चाहदिया सी, पर तुसी नहीं दसदे सी, ते इस करके मैं क्या कि जाके सो जांदे सी। रोशन सी, तू जास्ती नाटक मत करा, मुझे तुम लोगों की पार्टी शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया। रोशन, वो तो सभी को ही पता है ना कि वो जो बोतल थी उसमें जहरीली शराब थी सोनिए, और वो दया भाभी जी ने नाली में बहा दी थी। तो सोनिए, उसके अंदर जो काढ़ा था वही तो हम सब ने पिया ना। हो खुदाए, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ रोशन। तो तूने मुझसे झूठू झूठू बोला है। नहीं सोनिए, मैं तेरे को कोई झूठू झूठू नहीं बोला, मैं तो तेरे को सब सच्चू सच्चू बोला। मैंने तेरे को बोला था ना कि पार्टी शादी करने सब जा रहे हैं तो तेरी परमिशन चाहिए, और तूने मुझे परमिशन दी भी तो थी ना। और तूने मुझसे परमिशन लेते वक्त मुझसे क्या कहा था याद कर। हाँ सुनिए, मैं याद कर रहा हूँ। कूल डाउन, मैंने क्या बोला था। गोकुलधाम के सारे जेंट्स कल पोपू के घर पे पार्टी शादी करने वाले हैं। पार्टी शादी? लेकिन उन सबको उनकी बीवियों ने हाँ बोल दिया। हाँ सोनिए, हाँ आ गया, याद आ गया। सुनिए, उस दिन मैंने तेरे को ये कहा था कि सब लोग पार्टी शार्टी करने वाले हैं, उनकी वाइफ ने उनको परमिशन दे दी है, और तूने भी मेरे को परमिशन दे दी थी बड़े प्यार से। हाँ नहीं, तूने मुझे बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बोला। तूने मुझसे कहा था कि सोसाइटी के सभी लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और सोनी, चल हम लोग जाके बाहर खाना खाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, गुम्बा परवा चलते हैं। रोशन, साफ साफ बता, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोल। हाँ सुनिए, मैं भी चाहता हूँ तू मैंने कभी भी ना छोड़े यार सोनिया। सच्ची सच्ची बोल, पार्टी शार्टी का प्लान किसने बनाया था, वरना 3rd डिग्री इस्तेमाल करूँ। 3rd डिग्री? सोनिया, सारे जेंट्स में पार्टी शार्टी का प्लान किसने बनाया? मैनू क्या पता यार। 3rd डिग्री मैंने ही बनाया था प्लान। सोनिया जोयो, सच्ची सच्ची बोला ना, ये प्लान मैंने बताया था, तेनों की मैं पता चला। मैं तुझे क्यों बताऊं कि मुझे पोपट भाई ने सब कुछ बताया। ओए पोपू, तेनों ते मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो ये बता, पोपट भाई के घेर पे सबको किसने बुलाया था? मैं बुलाया सी। और सब जेंट्स को पार्टी शार्टी के लिए किसने कन्विंस किया था? मैं कन्विंस किया सी। और तू मुझे उल्टी शुल्टी बात बोल रहा था। बोलता है रोशन, मेरी सोसाइटी के सभी फ्रेंड्स पार्टी शार्टी करने वाले हैं, और तू तो दूध का धुला हुआ है ना, तुझे तो पार्टी शार्टी नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुझे तेरी बीवी परमिशन नहीं देगी, और बाकी लोगों की बीवियों ने तो परमिशन दे दी है ना। मतलब तूने मुझसे झूठे-झूठे बोल के परमिशन ली है। सोनिया, मैं जानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। I am so sorry। कहीं सॉरी वॉरी नहीं। तू हमेशा ऐसे करता है, पहले गलती करता है, फिर बाद में मुझसे माफी मांग लेता है और मुझे मना लेता है, लेकिन अब मैं मानने वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोनिया देख, मैंने तेरा दिल दुखाया, पर आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दे। मैंने बोल दिया ना, मैं जर्रा भी तुझे माफ नहीं करूंगी। बस जास्ती खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे मानने वाली नहीं। अरे अभी भी नहीं मान रही हो रे यार, मैं क्या करूँ, गलती हो गई बोल रहा हूँ। सोनिया अब तो मान जाए यार। जो रोशन, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मानूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर। तेरी सारी शर्तें मंजूर, तुम बोल तो सही। सोनिया पिल्ले, मेरी शर्त सुन तो ले बाबा। हाँ, बोल सोनिया, तेरी की शर्त है यार? आज के बाद कभी भी तू मुझसे झुट्टू नहीं बोलेगा, पार्टी शार्टी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सोनिया मेरी तोबा, 100 तोबा, 1000 तोबा। I love you, सोनी, I love you. सच्ची? हाँ मुझे. और इसी बात पे पार्टी शार्टी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. टंटन घेलो छे घेलो. ओए घेलो छू पर तारा प्यार में छू. और चलिए अब जाके सो जाएं. हाँ चल नहीं बाबा बहुत लेट फिर. चलो चलो चलो. Good morning, गोकुलधाम. अरे दया आई. हाँ वही बापूजी का कुछ फोन मन आया था. कभी आ रहे हैं वो पुणे से? बापूजी का अब भी फोन आया था और उन्होंने कहा कि वो बस थोड़ी देर में आ रहे हैं. अच्छा ओ यहाँ गए बापूजी. यहाँ गए बापूजी. आइए आइए लाइए बापूजी. हाँ आइए बाबू. हाँ बैठिए बैठिए दया. हाँ हाँ बस वही. बापूजी सफर कैसा रहा? अरे वो मेरे दोस्तों के साथ तो सफर कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला. अरे वाह चलो बढ़िया बढ़िया. तो बापूजी आपके लिए चाय लेके आऊं? अरे नहीं नहीं बहू चाय नहीं अत्तर लेकर. बापूजी आप अत्तर पियेंगे? क्या बोल रही है दया? बापूजी को सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल. सॉरी बापूजी मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या बोल गई. अरे नहीं नहीं वो कोई बात नहीं. वो क्या है ना कि कल मैं वो अत्तर की बोतल देखना चाहता था और देख नहीं पाया तो पूरे सफर में वो अत्तर मेरे दिमाग में अटक गया था. तो जा वो बोतल लेकर आ देखो तो सही उसकी खुशबू कैसी है. वो बोतल तो वो तो मैंने वापस भिजवा दी बापूजी. कहाँ फ्रांस? नहीं नहीं जहाँ से आई थी वहाँ वो मेरे दोस्त सिन्हा साहब लेके आए थे ना तो उनको वापस भिजवा दी. क्यों? वो बोतल ठीक नहीं थी बापूजी. ठीक नहीं थी मतलब? बापूजी बोतल ही अच्छी थी. बाकी उसके अंदर अत्तर था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. हाँ हाँ मतलब वो खुशबू की जगह बदबू आ रही थी बराबर ना? हाँ बोतल देख के तो लग रहा था कि क्या खुशबू होगी. बोलो नाम बड़े और दर्शन छोटे. आजकल सब जगह ऐसा ही है बापूजी नहीं? चलो कोई बात नहीं मैं जरा कपड़े बदल के. जी जी बापू. जेठालाल अंदर आ सकता हूँ? सिन्हा साहब आप? सिन्हा साहब? सिन्हा साहब? बापूजी सिन्हा साहब है. वो फ्रांस के बोतल वाले? जी जी हाँ हाँ हाँ. अरे नमस्ते नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. आइए आइए बैठे. नहीं नहीं चाचा जी बैठना नहीं है. मैं तो जेठालाल को सॉरी कहने आया था. सॉरी? सॉरी? सॉरी. कल मैंने जो बोतल भिजवाई थी वो सही नहीं थी. अरे नहीं नहीं बेटा विदेशी चीज खराब निकली उसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं नहीं चाचा जी फिर भी जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. अरे उसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है बेटा? विदेशी नहीं तो कोई बात नहीं हम देसी लगा लेंगे. आप देसी भी लगाते हैं? नहीं बापूजी का वो मतलब नहीं है. अरे क्या नहीं नहीं अरे मैं तो सालों से देसी ही लगाता हूँ. अत्तर अत्तर बापूजी अत्तर की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ मतलब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना बापूजी भी उसी चीज की बात कर रहे हैं. तो क्या फ्रांस में उसको वो कहते हैं जो आप कहते हैं लेकिन बापूजी उसको अत्तर ही कहते हैं. ओह अच्छा अच्छा. एनीवेज जेठालाल कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. मेरा यकीन करो जेठालाल आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि फॉरेन की बोतल में से ऐसा माल निकले कि जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े. हॉस्पिटल? हाँ हाँ कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई उसकी वजह से. अत्तर इतना बुरा था? अरे बापूजी बुरा क्या जहरीला था, जहरीला जहरीला। हाँ न्यूज में भी आया था। जिन जिन लोगों ने वो बोतल खोली उन सबको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। क्या अच्छा हुआ ना कल दोपहर को हमने बोतल नहीं खोली। जेठालाल तुम दोपहर को ही बोतल खोलने वाले थे। हाँ वो क्या हुआ ना कि कल दोपहर को मैं पूना जाने वाला था तो मेरी बहू ने कहा कि बापूजी पूना जाने से पहले थोड़ा लगा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है लगा लेता हूँ, लेकिन उतने में मेरे सब दोस्त आ गए मुझे लेने के लिए और फिर मैं पूना चला गया तो लगा नहीं पाया। अच्छा हुआ लगाया नहीं, थोड़ा भी लगाते ना तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ बच गए। कल मुझसे जो गलती हुई उसे सुधारने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। और चाचा जी आपको देसी पसंद है ना तो मैं ये देसी लाया हूँ। देसी है विदेशी नहीं। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है सिन्हा साहब, प्लीज ये नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज ये आप प्लीज नहीं चाहिए ये। नहीं नहीं जेठालाल आई इंसिस्ट, मैंने ही वो फॉरेन की बोतल आपके घर भेजी थी जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप ये रख लीजिए, मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। अरे सिन्हा साहब आप ये यहाँ से ले जाएंगे ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, प्लीज। चाचा जी समझाइए ना जेठालाल को। जेठिया अभी ये इतने प्यार से कह रहे हैं तो रख ले। नहीं 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 रख सकता हूँ बापूजी। कल जो दुर्घटना हुई ना उसकी वजह से मेरे मन में एक भयंकर डर बैठ गया है कि क्या बताऊं मैं कोई भी बोतल खोलने से पहले अभी मुझे डर लगता है बापूजी। हाँ। ओ अच्छा ठीक है, देखो बेटा आज लेने दो है, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम मंगा लेंगे। हाँ। ठीक है चाचा जी तो मैं चलूं। हाँ। प्लीज। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, बैठिए ना मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी फिर कभी। हाँ वो बहुत बिजी आदमी है दया, सिन्हा साहब की एक एक सेकंड कीमती है, अभी रहने दे दया। ओके ओके सिन्हा साहब थैंक यू। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। आपने यहाँ तक धक्का खाया थैंक यू। ओके ओके नेक्स्ट टाइम दुकान में ही आना। ओके ओके यार जमाना आ गया है, पत्थर की वजह से लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। अभी पत्थर की बात तो जाने दीजिए बाबूजी, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ तब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आइए बाबूजी आइए आइए, ये बैग आपके कमरे पर रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई क्या रहने दे, इसमें वजन कहाँ है। अरे अरे कोई काश बाल बाल बच गए। बाप रे पूरा मामला संभालते संभालते मेरा तो सर चकरा गया। एक काम कर मस्त कड़क मसाला चाय पिला। नहीं मैं चाय नहीं पिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जटा शंकर भाई वैद्य का पुकारा पिलाती हूँ। दोस्तों गोकुलधाम में जो भी धुआंधार घटनाएं होती है ना वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है। लगता है कि स्थिति सामान्य है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि स्थिति हाथ से निकलते नजर आती है। अब देखिए ना सब कुछ ठीक ठाक था, यकायक सिन्हा साहब चंपक चाचा के सामने आ गए और जेठालाल के टेंशन में ऐसा उछाल हुआ कि पूछिए मत। ये तो ठीक है कि जेठालाल ने स्थिति संभाल ली और बच गए, वरना बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन बहुत कुछ तो अभी होगा, गोकुलधाम में सब कुछ सामान्य तो होता नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा कि टेंशन में उछाल जरूर आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा क्या होगा ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जिस तरह से भी आए आपके घरों में हंसी में उछाल होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.